हेलो एवरीवन, मैं हूँ मदीहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदीहा। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो एक फेस वॉश पर है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी स्किन केयर में, जो मैंने कुछ चेंजिंग करी है वो आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो कुछ फेस वॉशेज नाइट क्रीम्स में चेंजिंग करी थी मैंने। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाकर आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपनी स्किन केयर में क्या चेंजिंग करी है। उसका टाइटल है माई करंट स्किन केयर रूटीन डे टू नाइट, और बाकी प्रोडक्ट्स वही हैं लेकिन कुछ चेंजिंग करी है। तो उसमें मैंने एक फेस वॉश भी चेंज किया था। तो बस क्या था, सबकी रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गई कि आप ही इस फेस वॉश का रिव्यू जल्द से जल्द शेयर करें। तो फाइनली आज वक्त आ गया है कि मैं इस फेस वॉश का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ हिमानी फेस वॉश की। हिमानी लाइव नेचुरल सेफ्रोन व्हाइटनिंग फोमिंग फेस वॉश, स्किन ब्राइटनिंग फॉर ऑल स्किन टाइप, रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड ब्राइटन स्किन, और इस पर लिखा है हलाल। 150 ml की ये बॉटल है। पैकेजिंग आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी है पैकेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। सीरियसली काफ़ी बड़ी बॉटल है, 150 ml की है। एक्सपायरी जो है इसकी 2023 तक की है, मतलब 3 साल चलने वाला है ये फेस वॉश। और फोमिंग फेस वॉश जो है फॉर ऑल स्किन टाइप होता है, ऑयली स्किन वाले, एक्नी प्रोन स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इशू जो होता है वो ऑयली स्किन और एक्नी प्रोन स्किन का होता है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लिंजर जो है इसका वो यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्नी प्रोन स्किन वाले, ठीक है, जिनको एक्टिव एक्नी है। मैं दिखा दूँ पैकेजिंग इसकी, इस तरह से इसका जो है प्रोटेक्टिव कैप है, ये देख सकते हैं आप, ये क्लिंजर ब्रश है, ये जो इसके ब्रिसल्स हैं ये सिलिकॉन के हैं, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े के साथ ये वर्क करते हैं आपके फेस पर। और इसके अंदर जो लिक्विड है वो उसका कलर जो है बिल्कुल लाइट ग्रीन सा, जिस तरह से ड्यू कोल्ड्रिंक जो है उसका कलर होता है उस तरह से इसका कलर है। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही बीनी बीनी इसकी, माइल्ड सी है, जिस तरह से नेचुरल हर्ब्स की होती है उस तरह की इसकी फ्रेग्रेंस है। और ये अच्छी बात है कि इसका कैप है, प्रोटेक्टिव कैप है, ताकि जो अगर हम इसको सांस रखेंगे तो कोई जर्म्स ना लगे इस पर, इसलिए इसको कैप लगा के हम जो है रख सकते हैं, और जब वॉश करना हो तो आराम से हम कैप रिमूव करके वॉश इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे पढ़ के बता दिया, आपको एक दफ़ा और पढ़ दूँ, सेफ्रोन वाइटनिंग फॉर्मिंग फेस वॉश स्किन ब्राइटनिंग। अच्छा जी, इस पे पीछे लिखा है बेनिफिट्स इसके लिखे हैं, आ यूनिक फोमिंग फेस वॉश विद अ 3-in-1 क्लिंजिंग ब्रश दैट जेंटली एक्सफोलिएट रिमूव्स मेकअप एंड डर्ट वाइल मसाजिंग टू हेल्प डिपफ एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। सेफ्रॉन इज अ लग्जूरियस हर्ब दैट रिड्यूस पिगमेंटेशन, वाइटनेस द कॉम्प्लेक्शन एंड एड अ हेल्दी ग्लो, रिवील अ क्लियर एंड ब्राइट कॉम्प्लेक्शन नेचुरली। ये कह रहे हैं कि जो सेफ्रॉन जो है वो एक लग्जूरियस हर्ब है, जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन को वाइटन करती है, आपकी स्किन को हेल्दी करती है, ग्लो पैदा करती है, ब्राइटन अप करती है। तो ये जो फेस वॉश, इसका नाम भी यही है, बड़ा बड़ा लिखा है सेफ्रॉन वाइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश, ठीक है। डायरेक्शन भी इस पर लिखी है, यूज़ किस तरह से करना है। डायरेक्शन ऑफ यूज़, रिमूव प्रोटेक्टिव कैप, इसको आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद इस पर लिखा है एंड पम्प इट रिलीज फॉर्म इन द ब्रश, जब आप इसको पम्प करेंगे तो जो भी जेल, जो भी लिक्विड है अंदर, वो फॉर्म की सूरत में बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जेंटली मसाज ऑन डैम्प फेस विद ब्रश इन सर्कुलर मोशन, रिंस वेल, रिंस द क्लिंजिंग ब्रश बिटवीन वॉशेस, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइज, इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट रिंस थ्रोली, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। इस तरह बता रहे हैं कि आपने इसका जब यूज़ करना है, अपने फेस को गीला कर लिया, उसके बाद आपने जब इसको पंप करेंगे तो जो भी लिक्विड है वो फॉर्म की शक्ल में बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन में जो है इसको अच्छे से फेस पर मसाज करना है इसकी हेल्प से, ठीक है। अब मैं बता दूं कि इसके बेनिफिट क्या है, इससे जो इस पर लिखा है वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इस पर पूरा उतरता है या नहीं, तो देखिए इसने वाइटनिंग तो दूर की बात है, ब्राइटनिंग भी नहीं दी है। हाँ, ये क्लिंजिंग बहुत अच्छे से करता है फेस की, क्योंकि इसके अंदर जो ये ब्रिसल्स वाला ब्रश उन्होंने दे दिया है, उसकी हेल्प से आपका फेस जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो जाता है, डीप क्लीन हम कह सकते हैं कि हाँ, जब हम इसकी हेल्प से फेस पर मसाज करते हैं तो हमें क्लिंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फेस वॉश एक क्लिंजर नहीं है, तो हमें किसी क्लिंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका जो साथ में उन्होंने ब्रश दिया है उसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से आपके जो पोर्स हैं वो डीप क्लीन हो जाते हैं, मेकअप है, डर्ट है, जो भी आपके फेस पर पॉल्यूशन है वो सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है इस फेस वॉश के ज़रिए। लेकिन बात आ जाती है ब्राइटनिंग की और वाइटनिंग की, तो इसने मुझे ना इसमें ब्राइटनिंग नज़र आई ना मुझे वाइटनिंग नज़र आई,
तो जो इस पर लिखा है रिड्यूस पिगमेंटेशन, तो पिगमेंटेशन तो बहुत ही दूर की बात है। वैसे मैं बताती हूँ कि पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, मिलाजमा, फ्रैकल्स, इनको जाने में सालों लग जाते हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप ये यूज़ करें 7 दिनों में फ़र्क पड़ जाएगा, ये यूज़ करें 1 महीने में फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो सरासर झूठ है। मैं बिल्कुल सच्ची बात करती हूँ, मैं बिल्कुल किसी को लारे लप्पे नहीं देती हूँ कि हाँ आप ये यूज़ करो 7 दिन में जो है आपको फ़र्क पड़ जाएगा, या आप ये यूज़ करो 1 महीने में फ़र्क पड़ जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, मिलाजमा है, फ्रैकल्स हैं, तो ये सालों लेते हैं जाने में, क्योंकि आपकी जो निचली सतह होती है स्किन की वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जिस तरह से एक हमारा तेल होता है ना, जो ये हमारे फ्लैट वॉट्स होते हैं, ये अंदर तक होते हैं, इसी तरह से जब पिगमेंटेशन होती है वो ऊपर सतह पे नहीं होती है, वो अंदर तक चली जाती है निचले सतह पे, जिसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हो जाता है, जिसके लिए मैंने ट्रेटिनियन क्रीम बताई है। ट्रेटिनियन क्रीम बहुत बेहतरीन है पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स और मेलाजमा के लिए। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो ट्रेटिनियन की बेनिफिट्स। तो वो एक वाहिद क्रीम है जो स्किन को मोटा भी करती है और इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। अच्छा, यहाँ बात आ जाती है इसकी कि ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग और पिगमेंटेशन, तो जी नहीं, इस पर बिल्कुल वर्क नहीं करती। मुझे तो ब्राइटनिंग भी नज़र नहीं आई, तो व्हाइटनिंग और पिगमेंटेशन तो बहुत ही दूर की बात है। क्लिनजिंग की बात रही तो हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देगा। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपका फेस जो है काफ़ी डीप क्लीन हो गया है। इसके बाद किसी क्लिनजर, इससे पहले या इसके बाद किसी फेस वॉश या क्लिनजर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब इतने अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देगा। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लोग ये कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा माइल्ड सा फेस वॉश बता दीजिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, काफ़ी माइल्ड सा है। जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल हर्ब से बना हुआ और हिमानी का है, तो हिमानी का आपको मालूम है वसीम बादामी का ये ब्रांड है और किसी भी जगह से आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया था, आप चाहें तो इनके आउटलेट से भी इसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉस्मेटिक शॉप पर, जो अच्छे कॉस्मेटिक शॉप्स होते हैं वहाँ पर, मार्ट्स में भी अवेलेबल है। और दराज से मैंने इसको ऑर्डर किया था तो इसकी कॉस्ट 550 रुपीज़, 550 रुपये, बट अगर डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करते हैं तो मुझे 599 का ये मुझे रिसीव हुआ था, 599 का पड़ा था मुझे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका वर्क क्या है, फेस को डीप क्लीन कर देगा, बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। इसका जो क्लिंजर ब्रश है ये बहुत बेहतरीन है, सिलिकॉन इसके ब्रिसल्स हैं, बहुत ही मजे के साथ ये फेस पर काम करते हैं। और ब्राइटनिंग और व्हाइटनिंग बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ब्राइटनिंग मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं, ना व्हाइटनिंग नज़र आई। ब्राइटनिंग नज़र आती तो इंसान फिर ब्राइटनिंग की तरफ जाता है, तो मुझे तो ब्राइटनिंग भी नज़र नहीं आया, बस ये फील होता है कि आपका जो फेस है बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और काफ़ी बॉटल बड़ी है, 150 ml, बेस्ट ऑप्शन उनके लिए जो कि माइल्ड और नेचुरल नेचुरल फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। अब आप चाहो परचेस करना या ना करना, ये टोटली आप लोगों के ऊपर है, मेरा काम है रिव्यू करना, जो कि मैंने आपके सामने कर दिया है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो हिमानी सैफ्रन व्हाइटनिंग फेस वॉश के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।